कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके शहर का हीरापुर हटिया में गाइडलाइन का उल्लंघन किए जाने की शिकायत पर हटिया पहुंची प्रशासन एवं पुलिस की टीम ने खुले मैदान में शिफ्ट किए जाने के बावजूद सब्जी बाजार लगने पर नाराजगी जताई। इस दौरान अधिकारियों ने ना सिर्फ सब्जी विक्रेताओं को बल्कि हीरापुर हटिया चैम्बर को चेतावनी देते हुए गाइडलाइन का उल्लंघन किए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। हॉटस्पॉट बन चुके हीरापुर हटिया में अनुमति के बगैर दुकानें खोलने एवं गुपचुप तरीके से ग्राहकों को माल बेचने की शिकायत पर आज एसडीएम सुरेंद्र कुमार एवं एएसपी विजय स्वर्गियारी ने हीरापुर हटिया में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान अधिकारियों की टीम को देख वहां भगदड़ मच गई। गुपचुप तरीके से दुकान चलाने वाले दुकानदार धड़ाधड़ अपना शटर गिराकर भाग निकले। वहीं हटिया के अंदर अभी भी सब्जी बाजार लगने पर एसडीएम ने खासी नाराजगी जताई। उन्होंने हीरापुर हटिया चैम्बर के पदाधिकारियों को बुलाया और चैम्बर के साथ साथ वहां सब्जी बेच रहे सभी लोगों को शुक्रवार से यहां नहीं लगाने की हिदायत दी। साथ ही चैम्बर को यहां बगैर अनुमति के दुकान खोलने पर दुकानों को सील करने की चेतावनी भी दी। इस दौरान उन्होंने बाजार में भीड़ देख जवानों से उन्हें खिदड़वाया भी। मीडिया से बात करते हुए अधिकारियों ने कहा कि हीरापुर के हॉटस्पॉट बनने के बावजूद यहां लोग नहीं मान रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन बराबर उन्हें सचेत करते आ रहे हैं। यही नहीं, सब्जी बाजार को भी जिला परिषद के खुले मैदान में शिफ्ट कर दिया गया है, फिर भी लोग यहां सब्जी दुकान सजाए हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि आज अंतिम चेतावनी, शुक्रवार से पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जितने यहाँ पे बहुत सारे लोग थे वो अपनी दुकानों को शिफ्ट करके चले गए हैं, जहाँ पे हम लोग जिला परिषद मैदान दिया था। कई लोग अभी भी यहाँ पे दुकानें लगाए थे और अपना हीरापुर एक हॉटस्पॉट एक तरह बन चुका है कोरोना का, तो अब आवश्यकता हो गई है शक्ति की। तो आज हम लोग उसी मोड पे आए हुए हैं। दुकानें बंद पाए, अभी तो सारी दुकानें बंद पाई थी, सब्जी दुकानें खुली हुई थी। कोई भी दुकान जिसको सरकार ने मना किया खुला मिलेगा, तो अब से कल से हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। और ना केवल कार्रवाई बल्कि एफआईआर होगा और दुकानें सील कर दी जाएगी। पुलिस आती है राउंड में, हमेशा पुलिस रहती है, मेरी पेट्रोलिंग पुलिस में रहती है, पर जब आती है तो ये लोग अपनी दुकानें शटर बंद करके छुप जाते हैं। लेकिन आज के बाद मैं हमेशा कहा हूँ कि हम लोग डेली एक बार, चूंकि ये हॉटस्पॉट घोषित हो चुका है मेरा हीरापुर और ये काफ़ी पुराना बाजार है, यहाँ पे कई दुकानें चली गई हैं। लेकिन मुझे अब लगता है शक्ति ये बहुत जरूरी हो गई, क्योंकि अगर यहाँ पे इस तरह के लोग रहेंगे तो ये बीमारी कई जगहों पे फैल जाएगी। तो पर्सनली अभी मैं अपने एसपी सर यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोग सब लोग मिल के इस जगह को हम लोग इसको सोशल डिस्टेंस के साथ जो भी दुकानें उसे काम करवाना चाहेंगे हम लोग। वहीं एसपी विजय स्वर्गियारी ने कहा कि लोगों को समझाने का काम अब खत्म हो गया, शुक्रवार से पकड़े जाने पर उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। कार्रवाई एफआईआर होगा, कार्रवाई नेक्स्ट कार्रवाई तो एफआईआर के अलावा हम लोग, पहले हम लोग समझाते हैं, अपने ही लोग हैं, इंडियन देश का ही है, सब लोग कोरोना पीड़ित है, हम लोग भी मतलब इस कोरोना क्या बोलते प्रॉब्लम से जुड़ रहे हैं, तो हम लोग का थोड़ा ह्यूमन है। अब कोई नहीं मान रहे तो हम लोग एफआईआर करना पड़ेगा। ऐसा है कि उल्लंघन तो हो ही रहा है, लेकिन हम लोग के द्वारा बार बार सूचना दी जा रही है, कभी पीसीआर को सूचना, कभी थाना को सूचना, लेकिन हमारे सूचना पे कोई कार्रवाई हो नहीं रही है और लोग का मनोबल बढ़ता जा रहा है। इनका जो दिशा निर्देश है कि केवल खाद्य पदार्थ तो खुले रहेंगे, वो एकदम सही है, जेन्युइन है, और इस पर कहीं ना कहीं बहुत कड़ा स्टेप लेना होगा, तब जाके ये जो हमारा हॉटस्पॉट बन चुका है इसका चेन टूटेगा, अन्यथा संक्रमित की संख्या बढ़ती रहेंगी। और आज जो एसडीएम साहब द्वारा और हमारे एएसपी साहब द्वारा जो कार्रवाई किया गया, बहुत उचित कार्रवाई है, इसकी मैं सराहना करता हूँ। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 7004067।